जब हम सेल्स की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, तो वहां पर सेल्समैन में एक बहुत जरूरी स्किल की बात की गई है, ये उसमें होनी चाहिए। ये स्किल है पावर ऑफ लिसनिंग। वो कितने अच्छा सुनने वाला है, इसी पावर ऑफ लिसनिंग के पावर के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब सेल्स और मार्केटिंग की बात की जाती है, तो यहां ये कहा जाता है सेल इज ऑल अबाउट कस्टमर। सेल हर बार कस्टमर के बारे में है, कस्टमर की प्रॉब्लम्स के बारे में है, उनके सॉल्यूशंस के बारे में है और कस्टमर की सर्विस के बारे में है। यहाँ पर आपको पूरी तरह से कस्टमर को डेडिकेट होना पड़ता है कि कस्टमर क्या कह रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे सेल्समैन आपको मिलते हैं और वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी ये सर्विस देती है, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं और सब मैं। वो हर बार अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई आपके बारे में बात नहीं कर रहा है कि आप कंज्यूमर हैं, आप क्या चाहते हैं एक्चुअली, क्या आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। अगर ऐसा वो नहीं समझते हैं तो मतलब उनमें पावर ऑफ लिसनिंग नहीं। जो आप कहना चाह रहे हैं एज ए कंज्यूमर, आप बताना चाह रहे हैं, आपकी बात को सुन नहीं रहा है आदमी, मतलब वो सेल्समैन सही नहीं है, वो ये गलती कर रहा है। उसे ये नहीं सिखाया गया है कि पावर ऑफ लिसनिंग क्या है। जब पावर ऑफ लिसनिंग की बात आती है, तब वहां पर कस्टमर के बारे में बात होती है। कस्टमर बहुत बार चाहता है कि हम कुछ कहें। जब आप किसी चीज को सेल करने के लिए जाते हैं, तो सामने वाला कस्टमर आपको पसंद नहीं करता, क्योंकि कोई भी कस्टमर एक सेल्समैन को नहीं चाहता है अपने पास। वो नहीं चाहता है कि आप उसे कुछ सेल करें, इसलिए वो सेल्समैन को पसंद नहीं करता। लेकिन जब एज अ सेल्समैन आप सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनते हैं, वो कुछ कह रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, अपने चाहत बता रहा है कि वो चाहता है क्या है, ऐसा प्रोडक्ट चाहता है, ऐसी सर्विस चाहता है, तो ये आपको सुनना चाहिए। जब आप इन्हें सुनते हैं तो आपको दो फायदे होते हैं। पहली बात तो उसकी प्रॉब्लम से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आप रिलेट कर पाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ये आ रही है तो हमारे प्रोडक्ट में इसका सोल्यूशन है, आप इसे ले सकते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको कस्टमर की प्रॉब्लम जानने का मौका मिलता है। अगर आपके पास उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं भी है आज, लेकिन तब भी अगर आप उनको लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं अपने पास, तो आपके पास एक क्वेश्चन सेट होगा कि ये सामने वाले कस्टमर या फिर उस पर्टिकुलर कस्टमर की इंडस्ट्री की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट में या सर्विस से उन चीज़ों के सोल्यूशन ऐड कर देते हैं, तो आपका प्रोडक्ट और अच्छा हो जाता है। कल को आप नए कस्टमर के पास जब उसको बेचने जाते हैं, तो वहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होते हैं सामने वाले को देने के लिए। जब वो ये प्रॉब्लम बताता है, तो आपके पास इसका सोल्यूशन होता है और यही पावर ऑफ लिसनिंग का फायदा होता है। पहली बात तो आपने कस्टमर की बात सुनी, कस्टमर का कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फाइड हुआ, उसको ये लगा हाँ मैंने अपने मन की बात कह दी, अब मैं खाली हो गया, मैंने अपनी सारी बातें सामने वाले सेल्समैन को बता दी। और जब कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है, जब वो बोल चुका होता है, तब अपनी बात बताइए तो कस्टमर आपकी बात भी सुनेगा। वो जानता है कि मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं, मैं सारी बातें बता चुका हूँ, और इसके बाद वो आपकी बात सुनना शुरू करता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनना शुरू करता है। तो इस तरह से अगर पावर ऑफ लिसनिंग को यूज़ करते हैं, सामने वाले कस्टमर की प्रॉब्लम को समझते हैं, उसकी बातों को ढंग से सुनते हैं, अपने प्रोडक्ट्स रिलेट करते हैं, अपने सॉल्यूशंस रिलेट करते हैं, तो आप अच्छी सेल कर पाएंगे, एक अच्छे सेल्समैन बन पाएंगे। तो अगर आप सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड में हैं, तो इस पावर ऑफ लिसनिंग को समझिए। आप सुनिए सामने वाले कस्टमर को, उसकी बातें सुनिए, उसकी प्रॉब्लम सुनिए, उसके सारे प्रॉब्लमेटिक एरियाज को समझिए, उसकी इच्छाएँ सुनिए, उसकी चाहत क्या है, वो चाहता क्या है अपने प्रोडक्ट में। अगर आपने ये सारी बातें कस्टमर की सुन ली, तो इस सुनने की वजह से आप अपनी सेल में इजाफा कर पाएंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फायदा नजर आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।